नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है टिप बाय अमन चैनल में। फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से सीएनसी मशीन में पैक ड्रिलिंग का यूज़ करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको सिंपल ड्रिल के बारे में बताया था, वो मैंने वीडियो डाल रखा है। जिस भी मेरे फ्रेंड ने वीडियो नहीं देखा हो तो वह मेरे चैनल पर जाके देख सकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि सिंपल ड्रिल और पैक ड्रिल में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल ड्रिल का हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई सिंपल होल करना हो, जैसे हम दीवारों में होल करते हैं, उसमें हमें डायरेक्टली अपने ड्रिल को पुश करते हैं उसके अंदर, तो वो हमारे पास सिंपल ड्रिल रहता है। इसी तरह हमारे पास होता है पैक ड्रिलिंग। पैक ड्रिलिंग का दोस्तों हम यूज़ हैवी ड्यूटीज़ के लिए करते हैं, यानी हैवी वर्क के लिए करते हैं। जैसे मेरे पास रोक या कोई चट्टाने वगैरह हो गई, या फिर मेरे पास रोड्स में जो साइड्स होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए हम पैक ड्रिलिंग का यूज़ करते हैं, जिसमें मेरे पास क्या है, जो ड्रिल टूल है वो बम्बारमेंट करता रहता है, यानी जो आपका टूल होगा वो अप एंड डाउन की पोजीशन पर चलता है। तो आज हम सीखेंगे कि हम कैसे पैक ड्रिलिंग का यूज़ करेंगे सीएनसी मशीन में। तो इससे पहले मैं आपको एक अपना प्रोग्राम बता देते हैं जिसको हमें आज सीखेंगे। तो मेरे पास ये मेरा प्रोग्राम रहेगा और इसी तरह आपके पास मैं दिखा देता हूँ कि हम इसको कैसे बनाएंगे। ये मैंने प्रोग्राम को बनाया हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको दोस्तों यूज़ करना है, और इसी के अंदर हम फ्रेंड्स पोलर कमांड का भी यूज़ करेंगे, पोलर एरे का यूज़ करेंगे इसके अंदर। वो भी कैसे यूज़ करते हैं, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैंने इसके बारे में, इसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल में जाके देख सकते हैं वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है, वही हम टूल से स्टार्ट करेंगे अपना। सबसे पहले कमांड वही रहेगी T01M06, जिसमें हमें टूल को चेंज कराना है। फिर हम टूल को रोटेट कराएंगे दोस्तों, स्पिंडल को स्टार्ट कराएंगे और उसकी स्पीड प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद आपको ओरिजिन को सेट करना है। तो फिर इसके बाद हमारे पास जो मैंने यूज़ किया है G16, G16 आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए यूज़ होता है, और जिसमें हमारे हमारे पास जो एक्स और वाई होता है, एक्स आपका रेडियस का काम करता है और वाई आपका एंगल का काम करता है। उसके बाद आपको पोजीशन देंगे कि आपको कहाँ से ड्रिल को स्टार्ट करना है। जो मैंने पोजीशन दिया एक्स में 16, वाई में 18 से स्टार्ट है, यानी जो मेरे पास ये पॉइंट रहेगा यहाँ पर एक्स में 16 होगा, क्योंकि मैं पोलर एरे का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक्स आपका रेडियस का काम करेगा, जिसमें जो मेरी रेडियस रहेगी अंदर वाले सर्कल की 16 है यहाँ पर। और उसी तरह जो आपका वाई रहेगा, वाई आपका एंगल रहेगा, जो मेरे पास ये एंगल है यहाँ पर 18 है, तो जेड 100 पोजिशन पर रहेगा। उसके बाद दोस्तों पैक ड्रिलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं G83 कोड का, यानी G83 कोड यूज होगा आपके पास पैक ड्रिलिंग के लिए। और जो इससे पहले हमने सिंपल ड्रिल में किया था वो G81 था फ्रेंड्स। तो G83 के साथ आपको रखना है, इसमें हम वैल्यू डालते हैं एक्स और वाई की। अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज ना करें तो इसमें एक्स और वाई रहेंगे, आपके पोजिशनिंग रहता है जहां पर आपको ड्रिल होल करना है। किंतु यहाँ पर इस ड्राइंग के रिगार्डिंग जो मैंने अगर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है, तो यहाँ पर आपका एक्स हो जाता है आपका रेडियस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो 16 रहेगा, और वाई जो रहेगा वो एंगल कंसीडर करता है। उसी तरह आपके पास आता है R2। R2 होता है फ्रेंड्स हमारे पास रिट्रैक्ट पॉइंट। रिट्रैक्ट पॉइंट होता है दोस्तों, जब आप एक बार ड्रिल कर लेते हो तो जब वो वापस उसी पोजीशन पर ऊपर आके रुकता है, तो उस पॉइंट को हम रिट्रैक्ट पॉइंट बोलते हैं, जो आपका मैंने यहाँ पर 2 दिया हुआ है। उसके बाद आता है दोस्तों आपका Z-10। जेड होता है इसके अंदर हमारे पास डेप्थ ऑफ कट की, आपको कितना कट करना है, यानी आपका जो फाइनल कट रहेगा, फाइनल ड्रिल करनी है वो आपको कितनी करनी है, तो मैंने यहाँ पर 10 लिया हुआ है। उसके बाद और उसके बाद आता है आपके पास क्यू। क्यू होता है दोस्तों आपका डेप्थ ऑफ कट की, यानी इसमें जो मेरे पास टूल रहेगा कि एक बार में वो कितना अंदर तक जाएगा। यहाँ पर मैंने जो डेप्थ अपना कट दिया है वो एक बार में 1 mm दिया है, यानी वो पहले 1 mm जाएगा, फिर 2 mm, फिर 3 mm, इस तरह से मेरा प्रोग्राम कंटिन्यू चलेगा। उसके बाद आपके पास आता है एफ। एफ होता है दोस्तों हमारे पास फीड रेट। तो मैंने सबसे पहले जो आपने ड्रिल किया है यहाँ पर इस पोजीशन पर, ये वाई 18 में रहेगा और एक्स रेडियस रहेगी वो 16 रहेगी। इसी तरह मेरा एंगल चेंज हो जाएगा, एंगल 20 एंगल ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर वाई 18 सॉरी वाई 38 का यूज़ करेंगे। उसके बाद ये जो मेरे पास रहेगा वाई 58 का यूज़ होगा फ्रेंड्स। उसके बाद 78 एंगल मेरा चेंज होता रहेगा। इसी तरह दोस्तों हमें Y258 तक करना है, तो आपका यहाँ पर जो रहेगा ये ड्रिल्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हमें रेडियस को चेंज करना है, तो रेडियस को चेंज करने के लिए हम दोबारा पोजीशन देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो मेरे पास एक्स रहेगा, यानी हम रैक्स 22 रखेंगे, क्योंकि अब मुझे ये जो मेरा ड्रिल पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट करना है। और उसके बाद जो हमारा एंगल रहेगा वो हमारे पास 60 है, तो वाई 60। उसके बाद मेरा रेडियस आपकी सेम रहेगी, एंगल चेंज होता रहेगा, तो यहाँ पर मैंने एंगल को चेंज किया है। ये आपके पास वाई 90 का रहेगा,
फिर आपके पास Y120 आ जाएगा, Y150, Y180 हो जाएगा, यहाँ पर 210 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपके पास आता है 240, 270 और 300 और 330। इस तरह से यहाँ पर मेरा ये कंप्लीट हो जाता है ड्रिल्स। उसके बाद फ्रेंड्स अगेन हम रेडियस को इंक्रीज करेंगे अपने, और जो मुझे रखना है रेडियस 30। तो रेडियस 30 के लिए आप टाइप करोगे यहाँ पर दोबारा से एक्स की वैल्यू टाइप करोगे एक्स के साथ, और वाई का जो एंगल रहेगा मुझे ये ड्रिल्स कर रहे हैं हम वो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से। उसके बाद आपको Y60 रखना है, उसके बाद 120, 180 और ये आपके पास 240 और अगेन 300, यहाँ तक मेरे पास ड्रिलिंग साइकिल रहेगी। उसके बाद G15 दोस्तों, हम पोलर जो मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने यूज़ किया है उसको एंड करने के लिए हम G15 का यूज़ करते हैं, और अगेन हम क्या करेंगे G00, यानी मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया, हम अपने टूल को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, और M30 यहाँ पर आपका प्रोग्राम समाप्त होगा। तो इस तरह से ये मेरा प्रोग्राम रहेगा। अब हम इसको मशीन के अंदर वर्क करके देखते हैं फ्रेंड्स। ये मैंने प्रोग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पास प्रोग्राम रहेगा। सबसे पहले हम टूल को सेट करते हैं, अभी हमने टूल को सेट नहीं किया है प्रोग्राम के अंदर। ये मेरा उस प्रोग्राम है T01 के अंदर, तो मशीन ऑपरेशन के अंदर जाएंगे और इन टूल मैनेजमेंट में हम टूल को सिलेक्ट करते हैं, और इसका जो टूल का डाया रखते हैं फ्रेंड्स वो हम 6 रखेंगे यहाँ पर, या फिर आप इसको कम या ज़्यादा करना है तो वो भी आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसको 4 कर लेता हूँ, ओके। और इसको हमें रखना है टूल स्टेशन 1 के अंदर, उसके बाद करना है फ्रेंड्स ओके। जैसे कि देखो, आप देख रहे हो कि आपका जो ट्रैक है वो रेड हो गया है, यानी आपका टूल मशीन में या स्पिंडल में आ चुका है। उसके बाद हमें फ्रेंड्स स्टार्ट करना है, स्टार्ट के लिए आप ऑटो बटन पे क्लिक करोगे, रेफरेंस पोजीशन दोगे, होम पोजीशन पर लेके जाओगे। अगेन हम यूज करेंगे फ्रेंड्स, और उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं, ये देखो फ्रेंड्स मेरा ड्रिलिंग स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, और जो आपका पैक ड्रिलिंग में आप देख रहे हैं पहले ये 1 mm 1 मतलब बम्बारमेंट कर रहा है यहाँ पर, यानी अप एंड डाउन कर रहा है एक होल को क्रिएट करने के लिए। तो ये होता है दोस्तों आपका पैक ड्रिलिंग, जिसमें हमारा टूल क्या करता रहता है, बम्बारमेंट करता रहता है, ऊपर नीचे की पोजिशन को कंटिन्यू करता रहता है। और इस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा हम इसको ड्रिल्स को तैयार कर सकते हैं, अगर आपको सर्कुलर वाइज यूज करना है तो फ्रेंड्स, तभी हम पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं, अदरवाइज हम सिंपल पोजीशन देंगे जहां पर आपको ड्रिल करना है। और ये लास्ट जो रहेगा यहाँ पर हमारा प्रोग्राम समाप्त हो जाता है। तो ये था फ्रेंड्स कि हम किस तरह से पैक ड्रिलिंग का यूज़ करते हैं सीएनसी मशीन के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मैं उसके ऊपर वर्क कर सकूँ और आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।